जय हिंद साथियों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि पंजाब के लुधियाना में भर्ती स्टार्ट हो चुकी है 10 अगस्त से, और अभी हरियाणा के हिसार में भी भर्ती स्टार्ट है, वो 12 अगस्त से स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करें हिसार भर्ती की, तो हिसार के अंदर आज जींद वाले बच्चों का फिजिकल होना था, आज उन बच्चों की रनिंग होनी थी, लेकिन कल 11 बजे से, यानी कि कल रात से आज सुबह तक लगातार कंटिन्यू वहां पर बारिश रही है। बारिश की वजह से ग्राउंड में पानी भर गया है, और इसी वजह से आज जिन बच्चों का आज फिजिकल होना था, जिन बच्चों की आज रनिंग होनी थी, उन बच्चों की आज रनिंग नहीं होगी, सिर्फ मेडिकल होगा। जो जिन बच्चों का कल फिजिकल क्वालिफाई हुआ था, जिन बच्चों ने कल रनिंग पास की थी, उन बच्चों का आज सिर्फ मेडिकल होने वाला है, आज रनिंग नहीं हो पाएगी। और जिनका आने वाले कल, यानी कि जिन बच्चों की रनिंग होगी रात को, उन बच्चों की एंट्री होगी, और जिनका आज फिजिकल था, उनको हो सकता है कि लास्ट के दिन के अंदर, भर्ती के लास्ट दिन के अंदर, उनको दोबारा फिजिकल के लिए बुलाया जाए। मिली जानकारी के अनुसार यही चीजें सामने आई हैं कि आज कोई भी फिजिकल नहीं होने वाला है हिसार के अंदर। ठीक है, अगर बात करें हम लुधियाना भर्ती की, तो लुधियाना भर्ती के अंदर आज रूपनगर यानी कि रोपड़ डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों का फिजिकल था। और जैसा कि सभी स्टार्टिंग में आपको पता है कि पंजाब के अंदर कम बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, पंजाब के अंदर लगभग 120 से 125 बच्चों का ग्रुप बनाया जा रहा है, और इसमें से आज 15 से 20 बच्चों को एवरेज, यानी कि अगर एवरेज निकाल लें, 15 से 20 बच्चों को हर एक बैच के अंदर लिया जा रहा है। और वहीं हिसार, अगर हम लुधियाना की बात करें, तो लुधियाना के अंदर आपको पूरा टाइम मिलेगा, 5:45 का टाइम दिया जा रहा है, सभी बच्चों को पूरा टाइम दिया जा रहा है। अगर हम हिसार भर्ती की बात करें, तो हिसार के अंदर 5:45 का टाइम नहीं, आपको कम ही टाइम मिल रहा है, 5:15, 5:20, 5:25 इतना ही टाइम मिल रहा है। और हिसार के अंदर इस टाइम के अंदर लगभग 30, 35, 40 लड़के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों एआरओ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक में पूरा टाइम दिया जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं 10 से 15, एक के अंदर 5:15, 5:20 का टाइम दिया जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं 35, 35 और 40, 40। यानी कि हर एक एआरओ की रनिंग अलग अलग है, हर एक एआरओ में कंपटीशन अलग है रनिंग का। तो ऐसा नहीं है कि हर एआरओ को पूरा टाइम मिलेगा, हर एआरओ को टाइम कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि वहां पर उन बच्चों का फिजिकल कैसा है, कैसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, जैसे भी कोई अपडेट आएगी आप लोगों तक, तो उसको जरूर पहुंचाया जाएगा। जो चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।